ओके सो जस्ट टू चेक यूर अंडरस्टैंडिंग वट वुड हैपन इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस ऑन द टेस्ट साइट स्टार्टिंग विद पेज राइट अगर हम इस सीट पेज से स्टार्ट करें तो क्या होगा इट विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल यूर एल्स रीचेबल फ्रॉम द सीट पेज ये हमें यू आर एल जो इस पेज के ऊपर से रीचेबल तमाम यूर एल्स होंगे तमाम लिंक्स के एड्रेसेस होंगे वो रिटर्न करेगा फ्रॉम द सीट पेज इट विल रिटर्न लिस्ट ऑफ समल्स रीचेबल फ्रॉम द सीट पेज ये हमें कुछ यू के पेजेस रिटर्न कर लिंक्स रिटर्न करेगा सब के नहीं करेगा या इट विल नेवर रिटर्न या ये कभी रिटर्न नहीं करेगा राइट सो यू कैन टेक अ पॉज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट विल हैपन

सो so, हमने एक प्रोसीजर डिफाइन किया क्रॉल वेब के नाम से और उसको दे दिया इनपुट के तौर पे सीट पेज और हमने इसके अंदर दो लिस्ट्स डिफ़ाइन की हैं एक टू क्रॉल और दूसरी क्रॉल्ड क्रॉल्ड में हम उन पेजेस के लिंक डालते जाए लिंक्स डालते जाएंगे जो क्रॉल हो चुके होंगे और टू क्रॉल में वो लिंक्स होंगे जो अभी क्रॉल होना बाकी हैं जिनको अभी एक खोल के उनके अंदर से मजीद लिंक्स हमने तलाश नहीं किए सो so, आपके ख्याल में टू क्रॉल की इनिशियल वैल्यू क्या होगी और क्रॉल्ट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी टेक अ पॉज एंड फिल इट अप एंड देन सी वेदर यू वेबल टू डू इट करेक्ट क्लीअर नॉट सो टू क्रॉल्ड की वैल्यू जो है वो शुरू में हम सीड पेज इसके अंदर डाल देंगे कि हमारे पास क्रॉल करने के लिए भी एक ही पेज है और वो सीड पेज है और क्रॉल्ट की वैल्यू शुरू में एम्पटी होगी कि अभी तक कोई भी पेज ऐसा नहीं है जिसे हम क्रॉल करके उसके लिंक्स सारे के सारे तलाश कर चुके हैं राइट सो इनको इनिशियलाइज करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है द नेक्स्ट स्टेप इज टू राइट अ लूप टू डू द क्रॉलिंग जा रहे हैं वो crawl पे जब तक टू क्रॉल लिस्ट के अंदर पेजेस मौजूद होंगे तब तक हमारा क्रॉलिंग का काम चलता रहेगा जब टू क्रॉल के अंदर हमें मजीद लिंक्स नहीं मिलेंगे तो हमारा क्रॉलिंग का काम भी खत्म हो जाएगा राइट सो टू डू दिस वी विल यूज अ वायर लूप विथ टू क्रॉल एज आर टेस्ट कंडीशन वी कूड यूज लेंथ ऑफ टू क्रॉल इज इक्वल टू जीरो हमारी टर्मिनल कंडीशन ये भी हो सकती है कि हम चेक करें कि अगर लेंथ ऑफ टू क्रॉल जीरो हो गई है यानी लेंथ टू क्रॉल है उस लिस्ट के अंदर कोई भी लिंक मौजूद नहीं है तो हम लूप की कंडीशन को तब फॉल्स करके उस लूप से बाहर चले जाएं राइट देर इज एन ईजियर वे टू राइट दिस यूजिंग जस्ट टू क्रॉल अगर हम वायल ये लिखें तो भी वही कंडीशन काम कर रही होगी अगर हम सिंपली वायल टू क्रॉल लिख दें तो भी वही काम हो रहा होगा यानी टू क्रॉल अगर एम्पटी हो गई तो वायल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जब तक एम्पटी नहीं है एनीथिंग अदर अदेन एम्पटी इज ट्रू राइट सो ये कंडीशन लगाएं या सिंप ये लगाएं या सिंपली ट्रू क्रॉल लिख दें एक ही बात है सो एन एम्पटी लिस्ट इज इज बेसिकली ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज फॉल्स एंड एवरी नॉन एम्पटी लिस्ट इज इंटरप्रटेड एज ट्रू लिस्ट में कुछ भी मौजूद है तो वो true ke pe evaluate value and if it is empty hai, wo false ke pe evaluate value false. so inside the loop we need to choose a page to crawl for this quiz your goal is to figure out a good way to do this there are many ways to do this but using things we have learned in this unit you can do this using one line of code that both initializes page to next page to the next page we want to crawl and remove that page from the to crawl list right so basically aap कि आप टू क्रॉल को सीट से इनिशलाइज़ करेंगे क्रॉल्ड को एम्पटी राइट right? और आपने टेस्ट कंडीशन डिसाइड की थी अभी वायल टू क्रॉल इज नॉट इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो जब तक टू क्रॉल जीरो नहीं हो जाता या हम सिंपली अगर लिखते हैं वायल टू क्रॉल तो ये भी यही काम चेक करेगा कि जब तक ये एमपटी नहीं है ये कंडीशन टू रहेगी राइट सो अब आपको इस कंडीशन को इनिशलाइज करना है पेज विल गेट सम वैल्यू राइट अभी हमने यहां पे बताया गया वेज टू डू दिस हमें करना क्या है वी नीड टू चूज अ पेज टू क्रॉल हमें एक पेज का इंतखा करना है जिसे हमें क्रॉल करना है तो पहला पेज जिसे हम क्रॉल करने जा रहे हैं वो कौन सा पेज होगा जाहिर है जो पहला पेज हम क्रॉल करने जा रहे हैं वो सीट पेज होगा और वो सीट पेज हमें कहाँ से मिलेगा वो हमें एक लिस्ट से मिलेगा जिस लिस्ट का नाम है टू क्रॉल राइट right? सो so, इसका बहुत आसान तरीका यह है कि आप टू लिस्ट से इस एलिमेंट को पॉप कर लें राइट right? इसको जब हम पॉप करेंगे टू क्रॉल से तो इसका फायदा क्या होगा कि टू क्रॉल से यह पेज अब ऑटोमेटिकली हट जाएगा यानी हमें यह पेज यहां मिल भी गया और टू क्रॉल से निकल भी गया राइट सो दैट वॉज वेरी सिंपल थिंग टू डू राइट सो हमने टू क्रॉल डॉट पॉप लिखा तो यह पेज टू क्रॉल से निकल गया और इस पेज के अंदर आन मौजूद हो आप, आप आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगला काम हमें क्या करना है द नेक्स्ट स्टेप इज टू मैनेज प्रॉब्लम ऑफ ऑन द लिंक राइट वी डू नॉट वॉन्ट टू क्रॉल पेजेस दैट वी हैव ऑलरेडी क्रॉल्ड सो वट वी नीड इज सम वे ऑफ टेस्टिंग वेदर द पेज वॉज क्रॉल्ड और नॉट अब हमें यह चेक करना है क्योंकि जब हम बहुत सारे पेजेस को क्रॉल करते हैं तो बहुत सारे पेजेस ऐसे हो, होते हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ लिंक्स रिपीट हो रहे होते हैं जैसे गूगल का सर्च लिंक दसियों वेब पेजेस के ऊपर हो सकता है तो अगर हम एक लिंक जो है वो ऑलरेडी क्रॉल कर चुके हैं और वो हमें किसी दूसरे पेज के ऊपर वही लिंक दोबारा मिल गया है तो ये फिजिबल नहीं होगा ये सूटेबल नहीं होगा कि हम उसको दोबारा क्रॉल करने लगें सो so बेसिकली जब भी हम कोई नया पेज मुंत करेंगे क्रॉल करने के लिए बेहतर होगा कि हम उसको अपनी क्रॉल्ड लिस्ट में जाके चेक कर लें शुरू में तो ये एमपटी है तो कोई भी पेज इसमें नहीं मिलेगा लेकिन आिस्ता आहिस्ता ये पॉपुलेट होती जाएगी तो बेहतर होगा कि किसी भी नए पेज को क्रॉल करने से पहले हम यह चेक कर लें कि कहीं हम इस पेज को पहले क्रॉल तो नहीं कर चुके अगर वो क्रॉल्ड में मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो पहले क्रॉल हो चुका है राइट right? सो so, हमें एक इफ़ कंडीशन लगानी है जिसकी मदद मतलब से हम ये चेक करें कि जो पेज अभी हम क्रॉल करने जा रहे हैं ये पहले से क्रॉल्ड में मौजूद तो नहीं है अगर ये पहले से क्रॉल्ड में मौजूद है तो हमें इसे दोबारा क्रॉल नहीं करना चाहिए राइट right? सो यू कैन थिंक ऑफ दिस कंडीशन दैट इफ हमने एक स्ट्रक्चर पहले स्टडी किया हुआ इफ़ पेज नॉट इन क्रॉल्ड हम सिंपली अगर ये लिखें कि ये पेज अगर क्रॉल्ड में पहले से मौजूद नहीं है तो राइट right? यानी हमें इस पेज के ऊपर क्रॉलिंग सिर्फ उस सूरत में करनी है अगर ये पेज पहले से क्रॉल्ड में मौजूद नहीं है राइट right? सो so, अगर ये पेज क्रॉल्ड में मौजूद है तो उस सूरत में तो हम इसे क्रॉल नहीं करेंगे लेकिन अगर ये क्रॉल्ड में मौजूद नहीं है तो फिर हमें क्या करना है नाउ वी आर रेडी टू फिनिश आर वेब क्रॉलर राइट टू लाइन्स ऑफ कोड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द टू क्रॉल टू रिफ्लेक्ट ऑल द न्यू लिंक्स फाउंड ऑन द पेज एंड अपडेट द वैल्यू ऑफ क्रॉल्ड टू कीप ट्रैक ऑफ द दैट वी हैव बिन क्रॉल्ड राइट अब हमें दो लाइनें यहाँ पर लिखनी है राइट right? जो बेसिकली टू uh, क्रॉल crawl और क्रॉल्ड की वैल्यू को अपडेट करेंगी सबसे पहला काम तो हमें यह करना है कि जो पेज अभी क्रॉल्ड में मौजूद नहीं है अगर तो हम गेट ऑल लिंक्स की मदद से अपनी टू क्रॉल लिस्ट को अपडेट करेंगे तो टू क्रॉल लिस्ट के अंदर हमें इस पेज के ऊपर जितने भी लिंक्स मौजूद हैं उनको प्लेस कर देना है लेकिन चूंकि हम पहले ये कह चुके हैं कि ऐसा लिंक जो टू क्रॉल में पहले से मौजूद है वो लिंक हमें दोबारा टू क्रॉल में नहीं डालना यानी टू क्रॉल में अगर पहले से कोई लिंक्स मौजूद हैं और इस पेज के ऊपर हमें कोई मज़ीद लिंक्स मिलते हैं तो हमें इस पेज के तमाम लिंक्स को सिंपली टू क्रॉल में नहीं डाल देना बल्कि पहले ये चेक करना है कि आया इस पेज पे जो नए लिंक्स हमें मिले हैं उनमें से कोई लिंक पहले से टू क्रॉल में मौजूद तो नहीं है अगर वो पहले से टू क्रॉल में मौजूद है तो हम उस लिंक्स को उसमें शामिल नहीं करेंगे और ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप दोनों लिस्ट का यूनियन ले लें राइट right? जब आप यूनियन लेते हैं तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही बार आते हैं अगर कोई एलिमेंट पहले से टू क्रॉल में मौजूद हुआ और नई लिस्ट में भी मौजूद हुआ जो लिंक्स हमें गेट ऑल लिंक्स के जरिए मिलेंगे तो वो यूनियन बेसिकली क्या करेगा जो रिपीटेड लिंक्स होंगे उनको एक ही बार उसमें प्लेस करेगा और जो अनकॉमन होंगे वो भी सारे उसके अंदर आ जाएंगे सो so, एक काम तो हम ये करेंगे कि हम यूनियन लेंगे इस पेज के ऊपर मिलने वाले तमाम लिंक्स का जो कि गेट ऑल लिंक्स प्रोसीजर को कॉल करने के जरिए हमें मिलेंगे और दूसरा जो टू क्रॉल लिस्ट है इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे और दूसरा काम हमें क्या करना है हमें अपडेट करना है क्रॉल्ड की वैल्यू को तो जो पेज हमारा जो जो लिंक जो है हमारा इस पेज को पॉइंट कर रहा है वो लिंक हम क्रॉल्ड में डाल देंगे राइट सो दीज आर दू दिंगस वी विल राइट यूनियन वी विल टेक यूनियन ऑफ टू क्रॉल टू क्रॉल इज द फंक्शन विच इज बेसिकली टू क्रॉज दिस्ट एट वी आर मेनटेनिंग हीर सो बेसिकली आपको पता है कि यूनियन जो है वो पहली लिस्ट जो है उसको म्यूटेट करती है यूनियन का ऑपरेशन जो है पहली लिस्ट को म्यूटेट करता है तो यहाँ से जो हमें लिस्ट मिलेगी गेट ऑल लिंक्स के जरिए तमाम लिंक्स जो इस पेज के ऊपर मौजूद है वो मिलेंगे उनका हम यूनियन कर लेंगे टू क्रॉल के साथ तो यानी इसके अंदर ऐसे तमाम लिंक्स जो टू क्रॉल में पहले मौजूद नहीं है वो इसमें वन बाई वन अपड हो जाएंगे और ये लिस्ट म्यूटेट होके उन तमाम लिंक्स को अपने अंदर अब समो लेगी जो इस पेज के ऊपर हमें नए लिंक्स मिले हैं सिर्फ नए लिंक्स अगर कोई पहले से मौजूद हैं ट्रू क्रॉल में तो वो रिपीट नहीं होंगे और दूसरा काम हम क्या करेंगे क्रॉल डॉट अपेंड पेज यानी ये जो लिंक था इसको हम क्रॉल में डाल दें क्योंकि अभी ये लिंक हमने क्रॉल कर लिया इसको अब हमें दोबारा क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है राइट तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक टू क्रॉल लिस्ट के अंदर कोई लिंक मौजूद होगा क्रॉल करने के लिए और हम उन्हें वन बाय वन पॉप करते रहेंगे और अगर वो क्रॉल पहले नहीं हुआ हुआ तो उसके तमाम नए लिंक्स तलाश करके टू क्रॉल में डाल देंगे और उस पेज को हम क्रॉल्ड में डालते जाएंगे तो राइट और जैसे ही हमारे पास टू क्रॉल लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी इसमें मज़ीद कोई लिंक हमारे पास नहीं बचेगा तो हमारा क्रॉलर रिटर्न कर जाएगा अब ये अपनी जगह एक सवाल यह निशान हो सकता है कि अगर हमें लिंक मिलते रहें तो हम कब तक कंटिन्यू करेंगे जाहिर है कि हम किसी बहुत इनफानाइट इन पावर ऑफ कंप्यूटिंग के साथ ये काम नहीं कर रहे होंगे हमें इसकी कोई लिमिट भी डिफाइन करनी पड़ेगी बट फिलहाल जिन पेजेस के साथ जिस टेस्ट पेज के साथ हम ये काम करने जा रहे हैं उसके ऊपर लिंक्स काफ़ी महदूद हैं तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी बट दैट इज इट हमारा क्रॉलर तैयार है राइट right? यानी इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जितनी भी चीजें हमने सीखी उनका नटशेल, उनका रिजल्ट यह है कि हमने एक नया प्रोसीजर लिखा क्रॉल वेब के नाम से जो बेसिकली दो लिस्ट मेंटेन करता है एक टू क्रॉल यानी वो तमाम पेजेस जो अभी हमें क्रॉल करने हैं और एक क्रॉल्ड यानी वो तमाम पेजेस जो हम क्रॉल कर चुके हैं और जब तक हमारे पास ऐसे पेजेस मौजूद हैं जिन्हें हमें क्रॉल करना है तो हम एक एक पेज उठाते जाएंगे और देखेंगे अगर वो पहले क्रॉल नहीं हुआ हुआ तो उसके ऊपर तमाम लिंक्स तलाश करके उनका टू क्रॉल लिस्ट के साथ यूनियन ले लेंगे यानी उनमें जितने भी नए लिंक्स हमें मिलेंगे उन्हें टू क्रॉल में अपेंड कर देंगे और जो पेज अभी हमने क्रॉल किया है उसको क्रॉल में डाल देंगे और यह काम तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास नए लिंक्स मौजूद रहेंगे क्रॉल करने के लिए जैसे ही हमारे पास लिंक्स खत्म हो जाएंगे हमारा क्रॉलर रिटर्न कर जाएगा सो दिस इज द मेन न्यू प्रोसीजर दैट वी हैव रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर यूनिट विच फिनिश आर वेब क्रॉलर एंड देर इज अ लिटल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन दैट वी हैव डन टू प्रिंट ऑल लिंक्स प्रोसीजर जो पहले हमने सेकंड यूनिट के अख्ताम पे प्रिंट ऑल प्रोसीजर्स प्रिंट ऑल लिंक्स लिखा था उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया उसका नाम हमने चेंज कर दिया उसको गेट ऑल लिंक्स कर दिया उसमें जो दूसरी तब्दीली की उसमें हमने एक लिस्ट जो है इंट्रोड्यूस की ताकि हम जो लिंक्स हमें मिले उन्हें हमें सिर्फ प्रिंट ना करें बल्कि एक लिस्ट में स्टोर करके रिटर्न भी कर सकें ताकि उन्हें मज़ीद इस्तेमाल किया जा सके क्रॉलर के अंदर सो so, एक लिस्ट हमने डिफ़ाइन की जिसको इनिशलाइज़ किया हमने एम्पटी लिस्ट से यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि इस लिस्ट में अभी कुछ नहीं है और फिर वो प्रोसीजर उसी तरीके से काम करते हुए एक सिर्फ मॉडिफिकेशन ये करता है कि प्रिंट यूआरएल की बजाय लिंक्स डॉट अपेंड यू कॉल करके जो भी यूआरएल उसको नया मिलता है उसको लिंक्स के नाम से जो लिस्ट हमने डिफाइन की है उसके अंदर अपेंड करता जाता है सो अगेन टू समराइज हमने जो नई चीज़ें इसके अंदर सीखीं जो बुनियादी तौर पे लिस्ट से रिलेटेड थी स्ट्रक्चर डेटा के बारे में हमने इसके अंदर बात की म्यूटेशन और एलिसिंग के बारे में बात की स्ट्रिंग्स के साथ लिस्ट को कंपेयर किया और फिर हमने मुख्तलिफ ऑपरेशन जो लिस्ट के ऊपर पॉसिबल होते हैं उनके बारे में बात की लेंथ के बारे में अपेंड uh, के बारे में पॉप के बारे में और फिर हमने अपने क्रॉलर को लिखने की कोशिश की जिसके अंदर जो दो मेजर एडवेंट आए वो ये कि एक तो हमने जो प्रिंट ऑल लिंक्स था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया एक वेरिएबल इस इंट्रोड्यूस करवाया और हमने प्रिंट की बजाय अपेंड लिस्ट में अपेंड करने को तरजीह दी ताकि आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें और ये वही लिंक्स यहाँ से रिटर्न भी कर दिए और फिर फाइनली हमने जो मेजर काम इसके अंदर किया दैट वाज हमने आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट ली यहाँ से सूडो कोड और फिर थोड़ा थोड़ा सा लिखते 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 आखिर में जाके हमने एक पूरा प्रोसीजर लिख लिया जो कि क्रॉल के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है जो सीट पेज से स्टार्ट करता है और एक एक पेज उठा के देखता है कि अगर वो पहले क्रॉल नहीं हुआ तो उसके तमाम नए लिंक्स टू क्रॉल लिस्ट में डाल देता है और जो पेज अभी हमने क्रॉल किया है उसको हम क्रॉल्ड में डाल देते हैं और जब हमारे पास मजीद लिंक्स नहीं होते तो ये क्रॉल फंक्शन

A decade or maybe a couple of decades uh, she led the development of world's largest web index and for more of her insight on building search engines you can look on her article uh, why writing your own search engine is hard and uh, she's a high achiever she's currently working as vice president of engineering at google right i hope you enjoyed this lesson it might be a little hard but as you go through it as you do it repeatedly you will get better at it uh, now we will demonstrate this as well राइट right, हम यहाँ इंटरप्रेटर में जाते हैं और ये सारे का सारा कोड जो है मैंने यहाँ पे ऑल लैक्स डॉट पी वाई के अंदर प्लेस कर रखा है आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने ये इम्पोर्ट यू आर एल लेब और यू आर एल ओपन किया था और ये बेसिकली हम पेज यहाँ से गेट करते थे तो मैंने वो जो कोड uh, था यूआरएल ओपन करके पेज को रीड करने का उसको एक अलग प्रोसीजर में डाल दिया है और उसका नाम रख दिया है गेट पेज राइट सो बेसिकली जो मेन प्रोसीजर जिसे हम कॉल कर रहे होंगे दैट विल बी द गेट पेज और उसको यू दे रहे होंगे ताकि वो यू रीड कर सके बाकी गेट नेक्स्ट टारगेट ये प्रोसीजर हमने पहले यूनिट के एंड पे लिखा था ये वही है और उसके बाद गेट ऑल लिंक्स प्रिंट ऑल लिंक्स को चेंज करने करके हमने गेट ऑल लिंक्स कर दिया उसमें एक लाइन ये ऐड की और दूसरी लाइन ये चेंज की प्रिंट की बजाय लिंक्स डॉट अपेंड कर दिया और आखिर में रिटर्न भी कर दिया राइट और एक प्रोसीजर हमने यूनियन लिखा था वो यूनियन हमें यहाँ चूँकि इस्तेमाल करना है तो वो भी यहाँ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है और लास्ट में हम क्रॉल वेब जो है बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं राइट और क्रॉल वेब हमने अभी लिखा और वो हमने यहां पे लिखा हुआ है राइट सो बेसिकली अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें और क्रॉल वेब को कॉल करें लेट मी कॉपी द लिंक ऑफ दिस पेज ये पेज का लिंक मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ राइट जस्ट कॉपी डिट तो यू सी मुझे इस पेज के ऊपर तमाम लिंक्स और फिर उन लिंक्स के ऊपर ऊपर मौजूद मज़ीद तमाम लिंक्स जो हैं वो सारे यहाँ पे रिटर्न हो गए इस पेज पे तीन लिंक्स थे एक तो ज़ाहरा पहला लिंक ये ख़ुद है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल उसके बाद है फ्लैंग डॉट एच टी एम एल वॉकिंग डॉट एच टी एम एल और करोलिंग डॉट एच टी एम एल और आपको पता है कि जब हम वॉकिंग पे गए थे वॉकिंग डॉट एच टी एम एल पे तो इसके ऊपर एक मजीद मौ, लिंक मौजूद था दैट आज दैट वॉज किकिंग तो वो केकिंग का लिंक भी हमें यहाँ पे मिला है राइट right? इसके अलावा यू सौ के जब हम यहाँ वॉक पे गए तो हमें क्रॉलिंग का ही दोबारा लिंक मिला तो चूंकि क्रॉलिंग का लिंक ऑलरेडी इंडेक्स और टेस्टी उसमें मौजूद था तो ये रिपीट नहीं हुआ सो इन सिंपल वे जिस सीट पेज से हमने शुरू किया उसके ऊपर जितने लिंक्स मौजूद थे वो तमाम लिंक्स यहाँ पे मौजूद हैं और फिर उन तमाम लिंक्स के आगे उन पेजेस को ओपन करने के बाद जो मज़ीद लिंक्स हमें मिलते हैं वो भी इसके ऊपर मौजूद हैं इस केस में चूँकि ज़्यादा लिंक्स नहीं हैं तो हमारे पास एक बहुत छोटी सी लिस्ट रिटर्न हुई है बट आम तौर पर पे, पेज़स के ऊपर लिंक्स की तादाद बेशुमार होती है और जब आप एक सीट पेज से स्टार्ट करते हैं और लिंक्स को ब्राउज करके आगे मूव करना शुरू करते हैं तो ये प्रोसेस आम तौर ख़त्म होने की तरफ नहीं आता राइट right? और इसको टर्मिनेट करने के लिए हमें कोई मज़ीद क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ता है बट फॉर द सेक ऑफ़ आर सिंपल एग्जांपल हमने एक बहुत सादा सी मिसाल ली सीट पेज के लिए जिसके ऊपर सिर्फ तीन लिंक्स थे और उनके ऊपर मजीद आगे भी एक नया लिंक था और बाकी दो पुराने ही लिंक्स थे सो so, वो सारे के सारे लिंक्स हमें यहाँ पे दस्तियाब हो गए एंड वी हैव बिन एबल टू टेस्ट दैट हाउ द सिंपल वेब क्रॉलर वर्कस राइट सो आई वैल बी शेयरिंग दिस फाइल विद यू एंड आई होप दैट यू हैव got the main idea and as you go through it you'll learn better about it